मेरे YouTube चैनल पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की डेट में जेके बोस के द्वारा क्लास टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ बाई एनुअल एनुअल प्राइवेट सेशन 2021 के जितने भी स्टूडेंट हैं विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीजन के उनकी जो डेट शीट है उसे यहाँ पे रिलीज कर दिया है चलिए हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे नंबर वन अगर हम जहाँ पे क्लास टेंथ की बात करें तो जहाँ पे आप देख सकते हैं डेट शीट फॉर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास टेंथ बाई एनुअल एनुअल प्राइवेट सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विंटर जोन ऑफ जम्मू प्रोवाइंस तो टाइमिंग आपके एग्ज़ामिनेशन की रहने वाली है इलेवन ए एम तो आपके जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं डे सैटरडे होगा फोर्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चार सेप्टेंबर से आपके जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं पहला जो आपका पेपर होगा वो एडिशनल ऑप्शनल कश्मीरी पंजाबी उर्दू हिंदी पर्शियन संस्कृत डोगरी आप जहाँ पे देख सकते हैं अगर हम जहाँ पे मंडे डेट जो कि सिक्स सितंबर की बात करें तो जहाँ पे आपका साइंस और होम साइंस का एग्ज़ाम रखा गया है इसी प्रकार अगर हम जहाँ पे एट्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो आपका इंग्लिश एग्ज़ाम होगा उसके बाद संडे वाले दिन भी आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि ट्वेल्थ ऑफ़ सेप्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जहाँ पर भी जो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ामिनेशन होगा इसी तरह आप देख सकते हैं फोर्टीथ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आपका मैथेमेटिक्स होगा म्यूज़िक आर्ट एंड ड्राइंग पेंटिंग उसके बाद सिक्सटीथ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सोलह सेप्टेम्बर को आपका एस एस टी यानी सोशल स्टडी सोशल साइंस का आपका एग्ज़ाम होगा और जो लास्ट आपका एग्जामिनेशन है वो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जिसमें उर्दू और हिंदी का आपका एग्जामिनेशन है एलेवंथ की डेट शीट को डिस्कस कर लेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं डेट शीट फॉर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पार्ट फर्स्ट क्लास इलेवंथ बाय एनुअल एनुअल प्राइवेट सेशन 2020 21 विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न तो टाइमिंग आपकी भी यहाँ पे इलेवन ईम ही रखी गई है तो आपकी जो एग्जामिनेशन है वो ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से स्टार्ट हो रहे हैं पहला जो फैकल्टी ऑफ साइंस है उनका केमिस्ट्री होगा इसी तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हैं जिनका उनका अरेबिक पर्शियन संस्कृत इकोनॉमिक्स रहने वाला है फैकल्टी ऑफ होम साइंस का उस दिन कोई पेपर नहीं है इसी तरह फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का इंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक्स इस तरह से आप देख सकते हैं जितने भी आपके एग्जामिनेशन है नेक्स्ट आपका पच्चीस सेप्टेम्बर को होगा जिसमें आपका जनरल इंग्लिश रहने वाला है सभी स्ट्रीम्स का तो इसी तरीके से अगर हम ट्वेंटी सेवन्थ सेप्टेम्बर की बात करें तो सभी स्ट्रीम्स का जो वोकेशनल है वो रहने वाला है उसके बाद ट्वेंटी एट्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में जियोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी बायो कमिस्ट्री इसी तरह आर्ट्स में हिंदी उर्दू कश्मीरी डोगरी पंजाबी बूटी फैमिली हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन अगर हम यहाँ पे थर्टीथ सितंबर 2021 की बात करें तो मा, यहाँ पे साइंस स्ट्रीम तो में रहेगा कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस इन्वायरमेंट साइंस फंक्शनल इंग्लिश फिजिक्स फिज़िकल एजुकेशन इस्लामिक स्टडी वैदिक स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स और बुद्धिस्ट स्टडी सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं जो कि स्ट्रीम जो आर्ट्स की रहने वाली है और इसी तरह से जो कॉमर्स के रहे हैं तो आप जिनको देख सकते हैं मैं इनका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी पीडीएफ तीनों क्लास की कंबाइन करके डाल दूंगा आप वहां से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट आपका जो पेपर रहेगा वो थर्ड ऑफ अक्टूबर टू को रहेगा जिसमें बायोलॉजी बॉटनी जियोलॉजी सेम इसी तरह से अगर हम आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिस्टिक्स रहने वाला है तो उस दिन अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पाँच अक्टूबर की बात करें तो वो जोग्राफ़ी इसी तरह आर्ट्स में जोग्राफी साइकोलॉजी म्यूज़िक फ़िलासफी एंड एजुकेशन और अगर हम कॉमर्स की बात करें बिजनेस स्टडीज़ उसके बाद आ, सेवन्थ अक्टूबर की बात करें तो साइंस स्ट्रीम में फिज़िक्स आर्ट्स में होम साइंस हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें आप देख सकते हैं मैनेजमेंट रिसोर्सेज और कॉमर्स में रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट आपका जो एग्जामिनेशन जाएगा वो जाएगा नाइन्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सबका मैथेमेटिक्स है यहाँ पे आर्ट्स वालों का भी और उसमें जो आर्ट्स स्ट्रीम में है मैथेमेटिक्स अप्लाइड मैथेमेटिक्स और उसके साथ साथ सोशोलॉजी का भी है तो यहाँ पे फूड साइंस का है और उस दिन कॉमर्स स्ट्रीम का कोई भी यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं रखा है क्लास ट्वेल्थ की डेट शीट को डिस्कस कर लेते हैं आपका भी जो टाइमिंग रहने वाला है वो इलेवन ए एम ई रहने वाला है आपका जो एग्जामिनेशन जो फर्स्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है वो थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से स्टार्ट हो रहा है आपका जो मेन पेपर है जहाँ पर आप देख सकते हैं फिफ्थ ऑफ सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जनरल इंग्लिश सभी स्ट्रीम्स का उसके बाद जहाँ पर आप देख लीजिए सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जिसमें जियोलॉजी जो कि साइंस सब्जेक्ट में है बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी उसके बाद बायोकेमिस्ट्री इसी तरह आर्ट्स में हिंदी उर्दू कश्मीरी डोगरी पंजाबी बूटी और इसी तरह कॉमर्स स्ट्रीम में जो रहेगा वो बिजनेस स्टडी रहेगा अगर नेक्स्ट पेपर की बात करें जो कि टेंथ ऑफ सितंबर 2021 आपका मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स रहने वाला है इसी तरह आर्ट्स स्ट्रीम में भी एक्सटेंशन एजुकेशन रहेगा और उसके बाद थर्टीन सेप्टेम्बर को आपका जियोग्राफी जोग्राफी साइकोलॉजी म्यूज़िक फ़िलासफी एजुकेशन नेक्स्ट अगर हम फिफ्टी ऑफ सेप्टेम्बर टू की बात करें तो यहाँ पर साइंस वालों का फिजिक्स रहने वाला है आर्ट्स में होम साइंस उस इलेक्टिव हिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और नेक्स्ट रहेगा ह्यूमन डेवलपमेंट और कॉमर्स वालों का रहेगा बिजनेस मैथमेटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो एटीन ऑफ सितंबर 2021 जिसमें रहेगी आपकी केमिस्ट्री आर्ट्स वालों का अरेबिक पर्शियन संस्कृत इकोनॉमिक्स इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोदिंग फॉर फैमिली और जो कॉमर्स वालों का रहेगा इंटरप्रन्यरशिप इकोनॉमिक्स यहाँ पे ट्वेंटी सितंबर 2021 को आपका जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसमें कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस इन्वायरमेंट साइंस फंक्शनल इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन इस्लामिक स्टडी वैदिक स्टडी बुद्धि स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स सेम इसी तरह से सभी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनमें यही कॉमन पेपर लिया जाएगा आप जहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट जो आपका लास्ट पेपर रहने वाला है वो ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेम्बर जिसमें बायोलॉजी वाटनी जूलोजी स्टैटिस्टिक्स इसी तरह अगर हम आर्ट स्ट्रीम की बात करें पॉलिटिकल साइंस स्टैटिस्टिक्स और लास्ट जो अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें अकाउंटेंसी का आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है इस डेट शीट के रिगार्डिंग अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना डेफिनेटली आपकी इसके ऊपर हेल्प की जाएगी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपको इसी मोटिवेशन के साथ टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँ थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ